तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल वाजपेयी। मेरे YouTube चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक भारतीय होम्योपैथिक औषधि कैरिका पपाया के संबंध में विस्तार से चर्चा करूंगी, जो कि वनस्पति जगत से संबंधित है। कैरिका पपाया बहुत ही एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेडिसिन है, जिसे पपीते के अर्क से प्राप्त किया जाता है, जो कि बहुत सारे रोगों को दूर करने में सक्षम है। कैरिका पपाया ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा को सामान्य कर देता है, जिससे डेंगू जैसे रोग से भी रोगी की जान बचाई जा सकती है। कैरिका पपाया पेट से संबंधित रोगों जैसे अपच, कब्ज, उल्टी आना, नौजिया आदि की फीलिंग होना, इन सब लक्षणों को समाप्त कर देती है। कैरिका पपाया के सेवन से रोगी को भूख से संबंधित जो भी बीमारियाँ हैं वो समाप्त हो जाती हैं। कैरिका पपाया से पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं, इसलिए कैरिका पपाया बहुत सारे रोगों को ठीक करने में सक्षम है। नाउ आई विल एक्सप्लेन बेनिफिट्स ऑफ कैरिका पपाया। कैरिका पपाया होम्योपैथिक मेडिसिन के बहुत सारे फायदे हैं, जो निम्नलिखित हैं। कैरिका पपाया के सेवन से टीथ और गम्स का जो भी पेन है या जो भी और रोग हैं वो सब दूर हो जाते हैं। कैरिका पपाया हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देती है, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है और जैसे सामान्य रोग फीवर, कोल्ड, कफ, ये सब ठीक हो जाते हैं। कैरिका पपाया के सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल में नियंत्रण रहता है। कैरिका पपाया के सेवन से सीने में उठने वाला दर्द या बैक में होने वाला पेन या शोल्डर्स पेन भी ठीक हो जाता है। कैरिका पपाया के सेवन से इंटेस्टाइन के सभी रोग और इन्फेक्शन ठीक हो जाते हैं, जैसे गैस, अपच और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। कैरिका पपाया के सेवन से बच्चों और बड़ों सभी के पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। कैरिका पपाया एक लैक्सेटिव के रूप में काम करती है, क्योंकि ये फाइबर से प्राप्त होती है, इसलिए इसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या एकदम जड़ से समाप्त हो जाती है। कैरिका पपाया से गठिया से जुड़े हुए सभी रोग समाप्त हो जाते हैं और इसमें होने वाला पेन भी ठीक हो जाता है। कैरिका पपाया से आंतों में जो हार्मफुल पैरासाइट्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और जो भी आंतों के संबंधित रोग होते हैं वो सभी ठीक हो जाते हैं। कैरिका पपाया से यूरिनरी डिसऑर्डर्स ठीक हो जाते हैं। कैरिका पपाया के सेवन करते हुए हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? चेक द एक्सपायरी डेट। वैसे तो होम्योपैथिक मेडिसिन की एक्सपायरी डेट 5 ईयर्स के लिए होती है, पर फिर भी हमें इसे लेने से पहले हमें इसको चेक कर लेना चाहिए और कभी भी इसका सेवन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया है, जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, उस उतनी ही डोज हमें लेनी चाहिए। कैरिका पपाया मेडिसिन को घर पे हाइट पे रखना चाहिए, जिससे छोटे बच्चे उस तक ना पहुंच पाए। कैरिका पपाया मेडिसिन को सनलाइट, हीट से दूर रखना चाहिए और इसको कोल्ड और ड्राई प्लेस में ही रखना चाहिए। और जब भी कैरिका पपाया का सेवन कर रहे हैं तो गुटखा, शराब, सिगरेट आदि इन सब के सेवन से बचना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हमें अगर दिख रहे हैं तो हमें कैरिका पपाया का सेवन करना चाहिए। अगर हमारे लीवर में पेन हो रहा है या लीवर संबंधी और भी कोई समस्या है, जॉन्डिस हो गया है, पीलिया जिसको बोलते हैं हो गया है, तो हमें कैरिका पपाया का सेवन करना चाहिए। अगर हमें खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हमें भूख नहीं लग रही ठीक से, तो हमें कैरिका पपाया का सेवन करना चाहिए। और जैसे किसी व्यक्ति को दूध हजम नहीं होता, दूध लेने से उसे गैस बनने लगती है या पेट में दर्द होने लगता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसे कैरिका पपाया का सेवन करना चाहिए, जिससे उसे दूध हजम होने लगेगा। अगर रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स कम हो रही हैं तो उसे कैरिका पपाया की डोज देनी चाहिए। अगर किसी लेडी को समय से मेंसेस नहीं आ रहे हैं तो उसे कैरिका पपाया का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि कैरिका पपाया का सेवन कैसे करें। वैसे तो नॉर्मली सभी होम्योपैथिक चिकित्सक बताते हैं कि आधे कप नॉर्मल पानी में कैरिका पपाया मदर टिंचर को डालकर उसकी 10 बूंदें डालकर लेनी चाहिए। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, कैरिका पपाया का मदर टिंचर है, जिसको आपको आधे कप पानी में नॉर्मल पानी में आधे कप नॉर्मल पानी में 10 बूंद डालना है और फिर उसका सेवन करना है सुबह, दोपहर और शाम को 3 टाइम। फ्रॉम वेयर वी कैन परचेज इट, हम इसे कहाँ से ले सकते हैं? तो अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसे हेल्थमग से परचेज़ कर सकते हैं या फिर 1mg से परचेज़ कर सकते हैं, हेल्थमग से परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसे ऑफलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो किसी भी होम्योपैथिक शॉप से आप इसे ले सकते हैं। ये ओवर द काउंटर मेडिसिन है, तो आप इसे आराम से होम्योपैथिक शॉप से ले सकते हैं। ब्रांड्स आपको SBL या BGN आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे आपको हमेशा ही भारत मेडिसिंस, भारत में बनी हुई मेडिसिंस का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मेक इन इंडिया को
प्रोत्साहन मिलता है। कैरी का पपाया मेडिसिन आपको 30 ml की बॉटल 85 rupees में मिल जाएगी। प्लीज़ आप इस मेडिसिन को यूज़ तभी करें जब आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लें। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कैरी का पपाया मेडिसिन के बारे में समझ जानकारी दी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।